अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये मैं जो है अभी आपके सामने एक ये एस डी आर सेंसर है जी, इंट्रा ओरल सेंसर है और मॉडल हैंडी एच डी आर के नाम से है। ये इसके साथ ये बुक है इसकी, इसमें सारा ऑपरेटिंग मैनुअल्स वगैरह सब लिखे हैं। ये इसके साथ कुछ चीज़ें, ये हमारे पास ये सेंसर है। ठीक है, सबसे पहले हम इस सेंसर को यहाँ से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये सेंसर है। ठीक है, ये सेंसर है SDR। ये इसके साथ इंस्टॉलेशन के लिए USB दिया हुआ है, USB में यहाँ रखते हैं। और ये इसके जो है ना दो होल्डर्स दिए हुए हैं जो कि इसको पार्क करने के लिए हैं। ठीक है, एक इसको पार्क करने के लिए और एक ये सेंसर को पार्क करने के लिए। ठीक है, अभी हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में और इसको आपको चला के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने USB इंसर्ट करना है। ठीक है, USB इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल करेंगे। ये इस तरह इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये फाइल एक्सट्रैक्शन शुरू हो गई है। ठीक है, ये यहाँ से फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम सेंसर को अपने लेते हैं और सेंसर को हम इस जगह यहाँ पे USB पोर्ट में, ये यहाँ पे USB पोर्ट में इंटर कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमने इंटर कर दिया। ठीक है जी, ये पहले से सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ से न्यू पेशेंट बना देता हूँ। न्यू पेशेंट पे ठीक है, ये मैंने न्यू पेशेंट बना दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी, अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ। अभी ये कह रहा है सोर्स आपका जो है ना, सिलेक्ट सोर्स सिलेक्ट करें। अच्छा, इसके बाद मैं जाता हूँ दोबारा से USB पे। ठीक है, USB पे जाके मैंने USB दोबारा खोला। यहाँ पे देखें ड्राइवर के नाम से फाइल है। ठीक है, हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ओके फिनिश। ठीक है जी, ये हमारा हो गया, ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गया। इस तरह ही आपका जाना सोच पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इंट्राओरल एक्सरे सेंसर SDR USB सीरीज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, अभी हमारा हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, कैलिब्रेशन फाइल हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। कैलिब्रेशन फाइल करेंगे हम इंस्टॉल फ्रॉम फाइल, फाइल से हम चले जाएंगे
FASC यहाँ पे कैलिब्रेशन फाइल है। ओके ओके, इसका कैलिब्रेशन फाइल भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरे का डेमो दिखाता हूँ करके। ठीक है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिवाइस पे लाइट जल रही है, लिंक कर रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे रख के अपने फिंगर का एक्सरे, ठीक है, ये देख रहे हैं इस तरह जो ना एक्सरे। ठीक है जी, ये एक्सरे आ गए आपके। अच्छा, अब इसमें एक जो है ना रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप चले जाएंगे हेल्प पे, हेल्प पे यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपने ठीक है, यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट कराना है। ये आप देखें, फंक्शन सॉफ्टवेयर हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये आपका रजिस्टर्ड भी हो गया और बाकी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हम सॉफ्टवेयर यूएसबी निकाल लेंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इस तरह खुलेगा। ठीक है, न्यू पेशेंट अगर आपको बनाना है, यहाँ से आप जाएंगे ऑपरेशन पे, न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेशेंट का डाटा एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे एक्स वाई जेड कोई भी पेशेंट ऐसा दे सकते, ऐसा पेशेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है डेट के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह का पेज खुल जाएगा। जिस दांत का आपने एक्सरे करना है, दांत पे एक्सरे रख के दो दफ़ा क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, इस तरह ये ग्रीन आ जाएगा। इसका मतलब है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। आप इस तरह एक्सरे रख के एक्सरे डोज देंगे, ये आपका एक्सरे करेंगे। ठीक है जी, ये आपने यहाँ से क्लोज किया।
इसमें आपके पास ये है कि ऑपरेशन में देखें आप पुराने पेशेंट का आप जो है ना एक्सरे भी जो है ना वो निकाल सकते हैं। लास्ट पेशेंट ये न्यू पेशेंट है ना, इसी तरह जो पिछले पेशेंट हैं उनका भी डाटा आपके यहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ पे सर्च भी आप करा सकते हैं। पेशेंट डाटा पे जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ सर्च पेशेंट है, न्यू पेशेंट है, डिजिट पेशेंट है, एडिट पेशेंट है, ये सारे मेनू आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास इमेज सोर्स में आपके पास फिर इसी तरह कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है जी, ये था आज हमारा SDR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन।